गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। इस विस्तार में हैरानी की बात यह रही कि विजय रूपानी सरकार में मंत्री रहे सभी नेताओं की छुट्टी कर दी गई। गुजरात के नए मंत्रिमंडल से रूपानी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नई मंत्रिपरिषद में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री समेत कुल 24 मंत्रियों ने शपथ ली। सभी मंत्रियों को गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में सबसे पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी का रहा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम में उनकी पोजीशन नंबर 2 की रहेगी। गुजरात में बीजेपी के चेहरे बदलने की इस प्रक्रिया को बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वाभाविक करार दिया। ये स्वाभाविक है कि नया नेतृत्व भी आगे बढ़ रही है, पार्टी की ही जिम्मेदारी है। पार्टी ने अपनी रचना में, अपनी विचारधर्मिता में, क्रियाशीलता में, सृजनात्मकता में, व्यक्तित्व विकास में, पार्टी विकास में, नेतृत्व विकास में लगातार इस प्रकार के विषयों को आगे बढ़ाया है और ये इस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में भी नए नेतृत्व को आगे नया को बढ़ाते और उसको सातत्य रखते हुए, उसकी कंटिन्यूटी रखते हुए कार्य कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद के गठन पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की छाप स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 मंत्री पटेल समुदाय से बनाए हैं। इसके बाद 6 मंत्री ओबीसी समुदाय से बनाए गए हैं। इनके अलावा 2 क्षत्रिय, 2 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति और 1 मंत्री जैन समुदाय से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन का भी खूब ध्यान रखा है। प्रदेश के हर क्षेत्र को सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इसके तहत सबसे ज्यादा 8 मंत्री सौराष्ट्र से बनाए गए हैं। दक्षिण गुजरात से बीजेपी ने 7 मंत्री बनाए हैं, जबकि मध्य गुजरात से 6 और उत्तरी गुजरात से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। राज्य में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण बुधवार दोपहर को ही होना था, लेकिन नए मंत्रिमंडल को लेकर रूपानी और नितिन पटेल नाराज थे। इसे लेकर बुधवार को सुबह से रात तक विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। इसके बाद बीजेपी हाईकमान ने नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा रूपानी पर ही छोड़ दिया था। आज जब शपथ ग्रहण हुआ तो नाराजगी जताने वाले सभी मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नितिन पटेल ने नाराजगी वाले तेवर पहली बार नहीं दिखाए हैं। 2016 में भी वित्त मंत्रालय न मिलने से नितिन पटेल नाराज हो गए थे। आखिरकार आलाकमान को उनके आगे झुकना पड़ा था और डिप्टी सीएम के साथ उन्हें वित्त मंत्री भी बनाना पड़ा था। बताया यह भी जा रहा है कि नितिन पटेल ने मंगलवार की रात गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला से भी मुलाकात की थी और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। गुजरात में बीजेपी ने अपनी सरकार के सारे चेहरे बदल दिए हैं। बीजेपी की यह कोशिश है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रदेश नेतृत्व में जो वैक्यूम की स्थिति बनी है उसे नए और युवा चेहरों से भरा जाए। इससे यह साफ है कि बीजेपी हाईकमान 2017 के चुनावों जैसा पार्टी का हश्र होता हुआ 2022 में नहीं देखना चाहता। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।